तो आज हम बात करने जा रहे हैं IIRP के बारे में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी या नेवी, तीनों ही IIRP का एक बहुत ही बड़े नंबर में इस्तेमाल करती है। तीनों ही सेनाओं के पास IIRP एक अच्छे खासे नंबर में अवेलेबल है। अगर हम IIRP की बात करें तो यह गेम चेंजर साबित होने वाला है तीनों ही सेनाओं के लिए। जहां IIRP के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी स्पेसिफिकेशन, उसके बाद इसमें क्या खास है और ये सब भी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, IAI का जो यह हार्पी ड्रोन है, यह कोई मामूली ड्रोन नहीं है, यह एक सुसाइड ड्रोन है या कहे कामकाजी ड्रोन है। ऐसे ड्रोन्स को लॉटरी एमुनिशन कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे कई सारे ड्रोन्स अभी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन IAI का जो यह हार्पी है, यह इनसे सबसे ज़्यादा स्पेशल है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इसकी स्पेसिफिकेशन है क्या। दोस्तों, IIRP 2.7 मीटर लॉन्ग है, वही 2.1 मीटर इसका विंग स्पैन बैठता है, वही इसकी मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर तक के है। यह मैक्सिमम 48 केजी का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। एंटी रेडिएशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर लग जाने के बाद यह वॉरहेड कम हो जाता है, लेकिन इसका एडवांटेज यह होता है कि यह इजीली किसी भी रेडिएशन इमिट करने वाले टारगेट यानी रडार को ट्रैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों, बैटलफील्ड में सर्वाइवेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ा इशू होती है, क्योंकि अगर आप रडार को ट्रैक कर रहे हो तो रडार भी तो आपको ट्रैक कर सकता है। तो इसी वजह से IIRP को एक स्टेल्थ डिज़ाइन दिया गया है। उसी के साथ साथ IIRP एक बैटरी पावर सिस्टम है, जिसे एक 28 किलोवाट का इंजन पावर करता है। तो कुल मिला के अगर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइड से भी IIRP को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे में IIRP का हीट सिग्नेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिस वजह से ना ही रडार ना ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइड से आप IIRP को इजीली ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि स्टेल्थ डिज़ाइन भी है और हीट सिग्नेचर भी बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से IIRP एक बहुत ही ज़्यादा लीथल प्लेटफॉर्म बन जाता है। इवन एनिमी के जो रडार है, उन्हें ही खासकर टारगेट करने के लिए ऐसे सिस्टम को डेवलप किया गया है। दोस्तों, IIRP एक मल्टीपर्पज ड्रोन है, जो कि अटैक के साथ साथ रिकॉनसेंस करने में भी सक्षम है, जहाँ इसका मैक्सिमम एंड्योरेंस टाइम 90 मिनट से 120 मिनट तक होता है। तो दोस्तों, ये सब वैरी करता रहेगा, लेकिन इसका जो रिकॉनसेंस मोड है, उसमें ये रिकॉनसेंस कर सकता है लगभग 2 घंटे के लिए। वही अगर टारगेट नहीं मिलता है, या एक बात कहे कि टारगेट इसके रेंज से एस्केप हो जाता है, तो वापस से इसे हम रिट्रैक भी कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि IIRP को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, अगर इसे लॉटरी एमुनिशन की तरह यूज़ ना करना पड़े तो। तो कहने का मतलब यही है कि जो IIRP है, वो कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म अभी तक साबित हुआ है। अगर हम बात करें IIRP के मिनी हार्पी की, तो ये ड्रोन भी कुछ ज़्यादा कम नहीं है। IIRP का मिनी हार्पी ड्रोन भी IIRP के हार्पी ड्रोन की तरह एक लॉटरी एमुनिशन ड्रोन है, जिसे हम रिट्रैक कर सकते हैं अगर हम इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये भी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, और ये थोड़ा छोटा होता है IIRP के कंपैरिजन में। इसकी मैक्सिमम रेंज 200 किलोमीटर तक बताई जाती है, वही इसका मैक्सिमम एंड्योरेंस टाइम भी 90 मिनट के अराउंड बताया जाता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट दी हुई होती है किसी भी रडार को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करने के लिए। वही यहाँ सिर्फ रडार ही नहीं, अलग अलग टारगेट को भी, यहाँ तक कि मोबाइल टारगेट को भी यह IIRP ड्रोन ईजिली डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों, IIRP में रीटारगेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अगर IIRP को एक बार टारगेट के ऊपर लॉन्च किया जाता है, तो वैल्यूएबल टारगेट होगा वो, तो उससे भी अगर कोई वैल्यूएबल टारगेट हमें मिशन के दौरान दिखाई देता है, तो हम उसके ऊपर लॉक करके IIRP को फायर कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो IIRP है, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज देगा इंडियन आर्मी को। इवन अगर हम देखें तो इसमें AI फीचर्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जिस वजह से अगर IIRP को कुछ वजह से ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेशन खोना पड़ता है, तो वो अपने टारगेट को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। और इन्हीं कुछ फीचर्स की वजह से जो IIRP है, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का सिस्टम बन जाता है। इवन दोस्तों, इसमें मिशन अबॉर्ट तो दिया ही हुआ है, लेकिन जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसमें दी गई है, वो बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस है। अगर बाकी सिस्टम की बात करते हैं हम इसी कैटेगरी के, तो IIRP और IIMINI-HARPY दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं अपने कंपेटिटर से, और इसी वजह से जो IIRP है और IIMINI-HARPY है, इनका डिफेंस मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, IIRP और MINI-HARPY को अभी 5 देश इस्तेमाल में लाते हैं, जिनमें चाइना, इंडिया, अजरबैजान, टर्की और इज़राइल शामिल हैं। फिलहाल टर्की को भी ये ड्रोन दिए गए हैं, इसराइल द्वारा एक्सपोर्ट किए गए हैं, और हमारे सबसे बड़े एडवर्सरीज चाइना को भी यह ड्रोन इसराइल द्वारा सप्लाई किए गए हैं। हालांकि इस चीज़ में कोई शक की बात नहीं है कि जो इसराइल ने ड्रोन सप्लाई किए थे, वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड नंबर में थे, जबकि भारत के साथ यह केस नहीं है।
इंडिया की एयरफोर्स, नेवी और इवन इंडियन आर्मी भी बहुत ही बड़े पैमाने पे IIRP इस्तेमाल करती है। इवन दोस्तों भारत की जो बड़े बड़े फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर क्लास के शिप्स हैं उनमें भी यह IIRP ड्रोन इंक्लूड किया गया है, जिस वजह से चाहे चाइना हो या पाकिस्तान, दोनों की ही एयर डिफेंस सिस्टमों के रडार के ऊपर इसराइल का IIRP बहुत ही बड़ा थ्रेट बन चुका है। इवन इसी वजह से जो इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी है वो आज भी लीड स्टेज में बनी हुई है, जहां IIRP की कैपेबिलिटीज़ इंडिया की ट्रांस सर्विसेज की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रही है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर करें। जय हिंद।